जा रहा हूँ वो वाला जीबीएस के लिए। जीबीएस एक वायरल इफेक्ट है, इससे आपको दोनों हाथ दोनों पैर आपको लूलापन आ जाता है, आपको वेंटिलेशन में जा सकता है और आईवीआईजी देता है आपको इंजेक्शन। ये तो आपको ट्रीटमेंट का है, तो आपका आफ्टर हॉस्पिटल से निकलने के बाद क्या करेंगे, क्या घर में क्या कौन कौन एक्सरसाइज आपको सुबह से शाम तक करना है, क्या क्या खाना है, सब हमको डिटेल्स में बोलना है आपको। वीडियो आपको सब्सक्राइब करो और देखो वीडियो अंत तक, क्या मिलेगा आपको, क्या आपको प्रॉब्लम हुआ है कि सब मेरे को व्हाट्सअप नंबर में आपको बोल देना है क्या क्या करना है, हम आपको हेल्प करूँगा। ठीक है, शेष पर तो देखो वीडियो। आज जो बात करने जा रहे हैं वो बोले जीवीएस के लिए, गिलियन बेरी सिंड्रोम इसको बोलता है, वायरल इफेक्ट से होता है। ये वाला छोटा लड़का का होता है, छोटा लड़की का होता है, बूढ़ा तक सब लोग को होता है। ये वाला कोई डिफरेंस नहीं है कि यंग लोग के नहीं होगा कि बूढ़ा लोग के होगा, ये वाला नहीं है, सब लोग को होता है। तो मेरे को ढेर सारा पेशेंट है ऑल ओवर वर्ल्ड में, मेरे को ढेर सारा पेशेंट है, सब लोग को बात करता है क्या करूँ क्या करूँ। यंग पेशेंट, यंग एथलीट्स, उसको भी जीबीएस हो गया, ओवर नहीं रिकवर नहीं कर रहा है, छः मंथ, सिक्स मंथ, वन ईयर, वन एंड हाफ ईयर, टू ईयर वो चल सकता है डेढ़ साल के बाद। ये वाला ढेर सारा प्रॉब्लम उसको जीबीएस पे होता है। तो जीबीएस के क्या क्या फास्ट स्टेज करना है आपको, देखो फास्ट स्टेज आपको जीबीएस जब होता है तो उसके बाद जब वेंटिलेशन में आया है, आपको सैचुरेशन रेट ज़्यादा कमती हो गया वेंटिलेशन में, वेंटिलेशन के बाद आपको घर में डिस्चार्ज कर दिया, आपको ट्रैकेक्टमी हो सकता है, किसी को ट्रैकेक्टमी कर सकता है, तो वो वाला तो अलग है। वो वाला करने के बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया है, आपको घर में क्या करेगा, घर में आके सेफ एक फर्स्ट स्टेज आपको करना है, दोनों पैर ऐसा फ्लेक्शन करके सो, दोनों पैर है आपको कमर उठाना है, कमर कोशिश करो कमर उठने के लिए, थोड़ा थोड़ा रेगुलर करते रहो, रेगुलर ये वाला कमर उठाने के लिए। कमर उठने से वाला ग्लूट्स मसल है, जो सामने वाला क्वाड्रिसेप्स है वाला ग्लूट्स जो मसल्स है वो वाला ताकतवर होगा। ये वाला जितना ताकतवर होगा आपको बैक मसल्स ताकतवर होगा। उसके बाद आपको बैठना है, आप लेट सकते हो, लेटने के बाद आपको ये वाला जो एक्सरसाइज करेगा कमर जब ऊपर आएगा, थोड़ा थोड़ा कमर जब ऊपर आएगा उसको होल्ड करना है 10 सेकेंड, और नीचे ना माओ उसको होल्ड करो, नीचे ना माओ उसको होल्ड करो, नीचे नमाओ, नीचे उतारो उसको होल्ड करो और ऊपर करो, होल्ड करो 10 सेकेंड। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके सुबह टारगेट करना है हमको, सुबह 100, शाम में 100, दोनों टाइम ये वाला कमर उठाना है जब फास्ट है, जब आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना है वो वाला। उसके बाद ये बार पैर आपको सीधे करना है, फ्लेक्शन करना है, ये वाला करो, करते रहो मूवमेंट, थोड़ा थोड़ा फिजियो के हेल्प लेके एक बार रेजिस्टेंस करने बोले, एक बार पुश करने बोलो फिजियो को हेल्प करने के लिए, ये वाला पुश कर रेजिस्टेंस करने बोलो, हाथ का भी रेजिस्टेंस करने बोलो हाथ का रेजिस्टेंस करने के लिए। ये वाला ताकतवर हो जाएगा, ये वाला डेल मसल्स बोलता है, डेल्टॉइड ताकतवर हो जाएगा, ये वाला हाथ आपको भी ताकतवर हो जाएगा। तो डेल के मसल्स के लिए आपको रेजिस्टेंस करना है, आपको फिजियो को बोलना है आपको रेजिस्ट करो, तुम पुश करो ऊपर जाने के लिए, वो रेजिस्ट करे और तुम पुश करो, नीचे जाने के लिए रेजिस्ट करो वो पुश करे, जो फिजियो है उसको रेजिस्ट करने बोलो, उनको पुश करने बोलो, ये वाला रेजिस्टेंस करने, पाँव के लिए तुमको बोलो पुश करने के लिए, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग करने बोलो फिजियो के लिए, फिजियो हेल्प घर में जो आपको एलर्ट्स है और ये कोई हेल्प करने के लिए उसको बोलो स्ट्रेचिंग करने के लिए। जब स्ट्रेचिंग करेगा ये वाला पाँव का जो जोर आएगा, ये वाला जो रूट का ट्री का रूट की तरह होता है, ये वाला देखो इतना सारा ट्रीज है, रूट जो ताकतवर होता है वो वाला ट्री देखो कैसे खड़ा है, तो इसको ये वाला ग्लूट्स मसल्स वाला क्वाड्रिसेप्स मसल्स इसको बोलता है आपको ट्री का रूट्स, ये रूट्स आपको ताकतवर हो जाएगा तो आपको लेग भी आपको ताकतवर हो जाएगा। जितने आपको ग्लूट्स मसल्स ये वाला जब ऊपर उठाएगा ये वाला ताकतवर हो जाएगा, ये वाला पावर आ रहा है, उसके बाद आपका लेग्स का जोर अपने आप आ जाएगा। तो ये वाला आपको रेजिस्टेंस करना है, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज को करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ये वाला हाथ लेके ऐसा मूव करो ऐसा मूव करो
मूव करने से ये वाला हाथ का ताकत आ जाएगा, ये वाला हाथ का जो ग्लूट्स, ये वाला रिस्ट का जो प्रॉब्लम आ जाएगा, ओवर रिस्ट का प्रॉब्लम आ जाएगा। क्या बोला है, ये वाला डेल मसल सबका ताकतवर करना है, इसलिए ऐसा ऊपर उल्टा होके प्रॉन पोजिशन होके ऐसे ऐसे करना है, प्रॉन पोजिशन लेके। ऐसा करो, उसके बाद जब चलेगा तब ये वाला पावर का पावर लेने के लिए, पावर आने के लिए वो वाला जो एक्सरसाइज है वो वाला करते रहो। आपको जिम में ज्वाइन करना पड़ता है, वो वाला जिम में ज्वाइन करो। और एक बात बोलना चाहिए, फ्रूट्स, आपको जो फ्रूट्स खाना है वो वाला थोड़ा नॉन वेज मत खाओ, वेज खाओ ज़्यादा से ज़्यादा। और एक बात बोल रहा है, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हो, डेट्स ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हो, और ड्राई फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हो। शुगर मत खाओ, शुगर मत खाओ। ये वाला है ऑयल, 2 चम्मच ऑयल, 2 टीस्पून 10 ml आपको ऑयल में पकाना हुआ खाना खाना है। और जो जो एक्सरसाइज हम दिया है वो वाला बीजिंग के लिए ध्यान देना है, क्या ये वाला मसल्स आपको डेल मसल्स ताकतवर करने के लिए, ये वाला हाथ ठीक हो जाएगा डेल मसल्स, और ये वाला ग्लूट्स मसल्स ताकतवर करने के लिए आपको पाँव भी आपको ठीक हो जाएगा। तो ये दोनों ध्यान में आपको रखना चाहिए। और चल जब चल सकता है तो वाला ग्लूट्स मसल्स के लिए, और भी जब चलेगा तो जब चलेगा तब ऐसा ऐसा दुबला दुबला चलेगा तुम तो वाला स्क्वाट करो, स्क्वाट करने के लिए स्क्वाट करो, होल स्क्वाट करो, ये वाला स्क्वाट करो, ये वाला स्क्वाट करो। जितना करेगा ये वाला देखो ताकतवर हो जाएगा, ये वाला ताकतवर हो जाएगा। आपको फूड ड्रॉप भी चला जाएगा, फूड ड्रॉप आपको फूड ड्रॉप भी चला जाएगा जितना ये वाला करना, होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वाला आपको ताकतवर करना है, ये वाला पाँव आपको ताकतवर हो गया, आपको फूड ड्रॉप भी चला जाएगा। फूड ड्रॉप के लिए कोई पकड़ना है कोई जिनिस, ऐसा ऐसा करो, कोई पकड़ के ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो। और अंत में सब एक्सरसाइज करने के बाद ये वाला आपको बोला है चेस्ट के लिए, बोला हैंड के लिए बोला डेल्टर मसल ताकतवर करना है, ये वाला पाँव के लिए ग्लूट्स मसल ताकतवर करना है। और एक तो प्लांक करो, हर दिन प्लांक करो, प्लांक करो, ये प्लांक में रहो। जितना प्लांक में रहेगा वो हेड टू टो तक आपको स्ट्रेच होगा, हेड टू ये वाला टो तक आपको स्ट्रेच होगा, और आपको फूड ड्रॉप भी चला जाएगा। जिसको वेट ज़्यादा है उसको जो जो वजन घटती करना है, और दम से मेरे को फॉलो करके, मेरे को ढेर सारा वीडियोस है वो फॉलो करके तुम एक्सरसाइज ठीक से करो। ध्यान में रहो, पाँव के लिए ये वाला ग्लूट्स ताकतवर करना है, हैंड के लिए ये वाला डेल्टर ताकतवर करना है, और फूड ड्रॉप ठीक करने के लिए वो वाला पुशअप जो दिया है लेग मसल्स के लिए वो वाला करते रहो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को फ़ोन कर लेना, मेरे को व्हाट्सअप नंबर इधर मिलता है, मिलेगा तो व्हाट्सअप नंबर फ़ोन करो। और एक बात बोल रहा हूँ, एक लड़की का हम वीडियो दे देंगे आपको अंत में, वो लड़की एमपी का है, उसका मेरे को वीडियो देख के वो वाला ठीक हो गया, वीडियो देख के कोई फीजियो में नहीं लेके वो वाला ठीक हो गया, मेरे को एक्सरसाइज करके। वो 3 लड़की की मम्मी है, उसका भी आपको लिंक में दे देंगे, वो लड़की को आपको फॉलो करो। और मन का ताकत ले आओ, आपको GBS हुआ तो क्या हुआ, वो तो ठीक हो जाएगा, 1-1.5 साल लगता है तो क्या होगा, आपको नॉर्मल हो जाएगा। हम हैं ना आपके पास, हम तो ढेर सारा वीडियोस है GBS के लिए, हम तुमको हेल्प करेंगे। ये वाला बात बोल रहा है, और एक बात आपको बोल रहा है, कोई प्रॉब्लम हो तो हमको फ़ोन करो, हम आपको हेल्प करेंगे। कोई इकोनॉमिकल स्ट्रांग पर्सन हो सकता है, और इकोनॉमिकल नॉन स्ट्रांग पर्सन होता है जिसको पैसा नहीं है, वो भी मेरे को फ़ोन करो। कोई डरना मत, हम आपको हेल्प करेंगे। मेरे ढेर सारा वीडियोज़ है, ऑल ओवर वर्ल्ड मेरे को फ़ोन करता है, इसलिए हमको हेल्प करने के लिए, हम हेल्प करने के लिए नंबर दिया है। और एक बात बोलना चाह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस रखना है तुमको, कॉन्फिडेंस रखना है तुमको। स्वामी विवेकानंद बोल के एक साधु था, स्वामी जी था, सब लोग सब जानते हो तुम,
वो बोलता है कॉन्फिडेंस जिसको नहीं है उसको कुछ नहीं होता है, तुमको कॉन्फिडेंस देखो तुम ठीक हो गए होंगे होंगे होंगे, कॉन्फिडेंस देखो, कॉन्फिडेंस जिसको होता है वो सब सब समस्या समाधान कर सकता है, तो उसको कॉन्फिडेंस देखो। हम जो बात बोल रहे हैं वो वाला एक्सरसाइज करो ठीक ठीक से, मसल्स का आपको दुबला होता हो जाता है जीबीएस होने के बाद, वो वाला ठीक हो जाएगा। तो ढेर सारा वीडियोज है बोले देखो, हम आपको हेल्प करेंगे। नमस्ते, अच्छे रहो साहब।